आज सुबह फिर से शुरू हुई आईटी की कार्रवाई। आपको बता दें कि आयकर विभाग के अधिकारी ठिकानों पर मौजूद है। देर रात तक ठिकानों पर आईटी की कार्रवाई चली है। सुखाड़िया सर्कल में चेतक एंटरप्राइज पर एक्शन हो रहा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी उदयपुर से आपको दे रहा है। आज सुबह देखिए एक बार फिर से आईटी की जो कार्रवाई है वो देखने को मिली है। आंजना के ठिकानों पर आईटी की रेड चल रही है। कल भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी जिसमें आंजना के ठिकानों पर आईटी की टीम पहुंची थी और आज एक बार फिर से सुबह से ही जो कार्रवाई है वो देखने को मिल रही है। तो लगातार आईटी की टीम अब कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। आयकर विभाग के अधिकारी ठिकानों पर मौजूद है और एक बार फिर से देखिए अब ये कार्रवाई शुरू कर दी गई है। देर रात तक ठिकानों पर आईटी की कार्रवाई चली है। सुखाड़िया सर्कल में चेतक एंटरप्राइज पर ये एक्शन लिया जा रहा है। तो आंजना के देखिए अलग अलग ठिकानों पर ये कार्रवाई की जा रही है और कल देर रात तक ये कार्रवाई की गई है। एक बार फिर से आईटी की टीम सुबह पहुंची है और कार्रवाई की जा रही है। आयकर विभाग के अधिकारी ठिकानों पर मौजूद है और ये कार्रवाई और भी ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है। कल भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी जब देर रात तक ठिकानों पर आईटी की कार्रवाई चलती हुई दिखी थी और आईटी की टीम पहुंची थी और कार्रवाई करती हुई नजर आई थी। और एक बार फिर से आज सुबह से ही जो आईटी की कार्रवाई है वो शुरू कर दी गई है। आयकर विभाग के जो अधिकारी हैं वो ठिकानों पर मौजूद हैं और कार्रवाई कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कमलेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कमलेश, आंजना के ठिकानों पर ये कार्रवाई की जा रही है, कल देर रात तक ये कार्रवाई चली है और आज सुबह एक बार फिर से अधिकारी पहुंचे और कार्रवाई करते हुए दिख रहे हैं, क्या अपडेट अभी? जी देखिए बिल्कुल, आज सुबह फिर से जो है कि सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना के ठिकानों पर फिर से जो इनकम टैक्स की जो रेट है फिर से आज सुबह शुरू की गई और अधिकारी वहां ठिकानों पर पहुंचे और फिर से जो है कि एक बार जो कि जांच शुरू की गई और जो है कि वहां के जो लोग जो ऑफिस के स्टाफ है उनसे फिर से पूछताछ की जा रही है। साथ ही जो कई सारे जो डॉक्यूमेंट्स उनको कंगाले जा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द किसी मामले पर पहुंचा जा सके, ऐसे में फिर से जो है कि लगातार जाँच की जा रही है। जी बिल्कुल कमलेश, आप नजर बना करके रखिए। कमलेश ये बताइए कि अभी कुछ दस्तावेज या कुछ बरामद हुए हैं, क्योंकि कल जब कार्रवाई की गई थी तो लगातार यहाँ पर नेताओं के बयान भी सामने आ रहे थे और कांग्रेस के कई नेता मंत्री यही कह रहे थे कि अब आने वाले दिनों में चुनाव है तो ये बीजेपी की तरफ से ही कार्रवाई करवाई जा रही है। जी देखिए बिल्कुल, कुछ दस्तावेज खंगाले हैं और कुछ दस्तावेज लिए भी और रात को देर रात तक की कार्रवाई चली। ऐसे में जो कि यहाँ से एक लैपटॉप भी इन्होंने अपने कब्जे में लिया है और जो यहाँ स्टाफ के जो लोग थे उनसे गोपनीय तरीके से पूछताछ की गई। हालांकि मीडिया के सामने किसी तरीके अधिकारी ने कोई बयान नहीं दिया। ऐसे में जो कि फिर से आज सुबह जो कि कार्रवाई शुरू की गई। जी चलिए कमलेश, आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।